महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के नेताओं ने किसानों को अब तक आर्थिक मदद नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर जिले के दौरे के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक समारोह के लिए अभ्यास करती महिला कलाकार। 67 साल की उम्र में जूनियर महमूद का निधन। काफी वक्त से स्टमक कैंसर से जूझ रहे थे। 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। इसरो ने भारत का स्पेस रोड मैप 2047 तैयार कर लिया है। संगठन ने अगले 5 साल में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला संस्करण बना लेने का लक्ष्य रखा है। मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई में आई बाढ़ में अपने सामान के साथ गुजरती एक महिला। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राज्य में भारी बारिश और तेज हवा की वजह से भारी क्षति का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को पटना में चरण 2 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी हर कतार पे इंतजार कर रहे हैं। ठंडे मौसम के बीच विधानमंडल का शीतकालीन सत्र उपराजधानी नागपुर में गुरुवार से सियासी गर्मी के साथ शुरू हो गया है। असम के नागांव जिले के बोरकला गांव में एक धान के खेत के पास हाथियों के झुंड को देखते हुए पर्यटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे।